देखो दोस्तों, यदि आपके भी वीडियोस पर 7-8 व्यूज आता है, यानी आप लोगों का कोई भी वीडियोस वायरल नहीं होता है, तो समझ लो आप लोग यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के 3 तरीका बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जिससे आपके वीडियोस पर ना तो व्यूज आता है और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ता है। और एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लेना, जब तक आप लोग यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के 3 तरीका नहीं जानोगे, तब तक आप लोगों का वीडियो शेयर वायरल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चाहे आप अपने चैनल पर कितनी भी अच्छी वीडियोस को अपलोड कर लो, और करते भी होगे, आप लोग डेली वीडियोस को अपलोड करते होगे, पर मैं 100% गारंटी साथ कहता हूँ कि आप लोगों की वीडियोस पर ना तो व्यूज आता होगा और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो आज की वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है, जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के 3 तरीके, जिससे आपकी वीडियोस पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाए। इस बात के लिए भाई साहब एक लाइक बनता है, और देखते क्या हो भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और जल्दी से कर दो, और अपने भाई से अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर आईडी मिल जाएगी तो जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अब मैं आप लोग जल्दी से व्यूज बढ़ाने के तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइड पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैं खुद यार अपना प्रूफ दिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को व्यूज बढ़ाने का तरीका बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। मेरे चैनल पर 28 दिन पर 5,83,000 व्यूज है, ठीक है। और आप लोग डॉलर भी दे सकते हैं, $228 बना हुआ है 28 दिन के अंदर, ठीक है। मैं आप लोग अपना अर्निंग शो कर दिया हूँ, और एनालिसिस पर सबसे पहले मैं आप लोग कुछ दिखाऊंगा, फिर आप लोग व्यूज बढ़ाने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पास मेरा रियल टाइम में व्यूज दे सकते हैं, 42,950 भाई व्यूज आ रहा है, यानी 48 घंटे के अंदर 42,950 व्यूज आता है, जिससे मेरे चैनल पर अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। और मैं आप लोग साफ साफ बता देता हूँ, जब मैं आपके जैसा एकदम यूट्यूब पर नया था ना, तो भाई साहब मेरे भी वीडियोस पर व्यूज नहीं आता था, पर जैसे मैंने यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के 3 तरीका समझ लिया, तभी मेरे वीडियोस पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 3 तरीका बताता हूँ यूट्यूब का, जिससे आपके चैनल पर व्यूज बढ़ेगा। पहला तरीका होता है कि आपके वीडियोस पर जो व्यूज है यूट्यूब के सर्च पर जाए। जैसे अगर मैं यूट्यूब पर सर्च कर देता हूँ, यहाँ पास आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब पर यहाँ पर सर्च करता हूँ, यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे करें, ठीक है। यहाँ पास मैंने सर्च कर दिया YouTube चैनल को वेरीफाई करें, तो यहाँ पर जितने भी वीडियोस आएंगे सर्च से आएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मेरा भी भाई साहब यह वीडियो YouTube के सर्च पर चला गया है, इस वीडियो पर 3,75,000 व्यूज आ गए, यानी भाई साहब पूरे इंडिया में मेरा वीडियो 3 नंबर पे टॉप में रैंक करता है। पहले नंबर किसका रैंक करता है, ईशान मॉनिटर सर का, और दूसरे नंबर पर स्प्रेडिंग यंग सर का रैंक करता है, ठीक है, जिनके चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। और तीसरे नंबर पर किसका रैंक करता है, मेरा रैंक करता है भाई, जिसके चैनल बहुत कम सब्सक्राइबर है। और यहाँ पर देख सकते हैं मनोज दे सर का चौथे नंबर पर वीडियोस रैंक करता है, जिनके चैनल पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और मेरा वीडियो यह भी रैंक करता है, मेरा वीडियोस यह भी रैंक करता है, यानी भाई साहब मेरे काफी सारे वीडियोस हैं जो यूट्यूब के सर्च पर टॉप में रैंक करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग ये बता देता हूँ कि आप लोग अपनी वीडियोस को कैसे रैंक करवा सकते हो, फिर मैं आप लोगों को दूसरा और तीसरा तरीका बताऊंगा, उसको जरूर देखकर जाइएगा। जैसे अगर मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं, ठीक है, आप लोग देखना, फिर मैं आप लोग सारा कुछ समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर किसका वीडियो टॉप में रैंक करता है पूरे इंडिया पर, मनोज दे सर का रैंक करता है भाई साहब। और दूसरे नंबर पर किसका रैंक करता है, तुम्हारे भाई का रैंक करता है, देख सकते हैं मुकेश एमपी टेक, ठीक है। और तीसरा वीडियो मेरा ही रैंक करता है, ठीक है। और चौथा आप लोग देख सकते हैं, चौथा भी मेरा वीडियो रैंक करता है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी मेरा वीडियो टॉप में रैंक करता है, जिस पर 1,90,000 व्यूज आया है, ठीक है। तो भाई सब ऐसे तो मेरे काफी सारे वीडियोस रैंक करते हैं, मैं आप लोग ओनली 1 से 2 ही वीडियोस का उदाहरण दिया हूँ। अब मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोग भी कैसे अपने वीडियोस को टॉप में रैंक करवा सकते हो, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना पड़ेगा, जब भी आप वीडियोस बनाया करो ना, तो जब आप लोग वीडियोस बना लेते हो, तो वीडियोस बनाने के बाद जब आप लोग अपने वीडियोस को अपलोड करते हो अपने चैनल पर, तो आप लोग को अपने मन से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप लोग अपने मन से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन देते हो, तो भाई सब आपका वीडियोस कभी यूट्यूब पर रैंक नहीं करेगा। और मैं आप लोग 100% गारंटी साथ कहता हूँ, जितने भी नए क्रिएटर रहते हैं, वह भाई सब अपने माइंड से यानी अपने मन से टाइटल दे देते हैं, जिससे उनका वीडियोस रैंक नहीं करता। और जितने भी बड़े क्रिएटर रहते हैं ना भाई, सारे यूट्यूबर
वह YouTube के हिसाब से टाइटल लगते हैं तभी उनकी वीडियोस रैंक करती है और उनकी वीडियो सजेस्ट पर जाती हैं। ठीक है, मैं आप लोग सिखाता हूँ। जब आप लोग अपने वीडियोस को शूट कर लेना, एडिट कर लेना, तो अपलोडिंग करने से पहले सबसे पहले आप लोग टाइटल खोजना पड़ता है, यानी टाइटल को फाइंड करना पड़ता है। मैं आप लोग टाइटल लेने का तरीका बताता हूँ, टैग डिस्क्रिप्शन लेने का तरीका बता देता हूँ, जिससे आपका वीडियो रैंक करेगा। ठीक है, तो जब आप लोग सारा कुछ काम कर लेना तो टाइटल फाइंड करना सिखाता हूँ। सिंपली यूट्यूब पर आना और यहाँ पर आपके चैनल का एक लोगो होगा, इस पर क्लिक कर देना और टर्न और इंगो एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, और जो भी आप लोग का टाइटल आप लोग यहाँ पर सर्च करना है, क्योंकि यहीं पास से आप लोग टाइटल मिलेगा और आपकी वीडियोस रैंक करेगी। ठीक है, जैसे मैं आप लोग एक उदाहरण देता हूँ, जैसा आप लोग का वीडियोस हो आप लोग उसी के अनुसार यहाँ पास आप लोग सर्च कर देना है। जैसे मैंने वीडियोस बनाया है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो यहाँ पास मैं आगे सर्च करूंगा उस टाइटल को, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आखिर मैं अपने वीडियोस पर कौन सा टाइटल रखूं। ठीक है, तो मेरा जो वीडियोस का टाइटल था उसको यहाँ पास मैं सिंपली सर्च करूंगा। ठीक है, YouTube चैनल कैसे बनाए। ठीक है, तो आपका भी जो वीडियोस का टाइटल हो सिंपली सर्च कर देना है। आप देखो, जैसे यहाँ पर सर्च करूंगा यहाँ पास वह वीडियोस आएगा जो पूरे इंडिया में टॉप में रैंक करता है, और आप लोग को यहीं पास से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लेना है। मैं आप लोग एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा, और यहाँ पास आप लोग को ध्यान समझना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, नहीं भाई जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास सबसे ऊपर एक वीडियो रैंक करता है मनोज देसर का, जिनके वीडियोस पर लगभग यार कम से कम 5 मिलियन व्यूज आने वाला है। और आप लोग यहाँ पर ध्यान देखना है, जिससे आप लोग समझ पाओ कैसे टाइटल लिया जाता है। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक और वीडियो आता है टेक चैंपियन सपोर्ट सर का, जिनके चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाला है, और इनका भी आप लोग टाइटल देखो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बनाने का सही तरीका, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। अब आप लोग ये सोचो कि इन्होंने सेम टाइटल क्यों रखा है, क्योंकि टेक चैंपियन सपोर्ट सर को पता है कि मनोज दे सर का जो टाइटल है पूरे इंडिया में टॉप में रैंक करता है, तो इन्होंने भाई साहब वही टाइटल को रखा और अपने वीडियोस को भी रैंक करवा दिया, और देख सकते हैं इनका वीडियो यूट्यूब पे टॉप में रैंक कर दिया है। तो आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार करना है, जब भी आप वीडियोस बनाओ तो कुछ इसी प्रकार यूट्यूब पर आओ, और जो भी वीडियो यूट्यूब में टॉप में रैंक करे ना, तो आप लोग भाई साहब उनका सेम टाइटल ले लेना है और उनका सेम डिस्क्रिप्शन ले लेना है और उनका टैग भी ले लेना है। आप लोग को भाई जैसे सेम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लोगे तो आपका भी वीडियो यूट्यूब में टॉप में रैंक करेगा 100% गारंटी के साथ। मैं आप लोग एक और प्रूफ दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं स्पीडिंग ज्ञान सर का एक वीडियो से 17 मिलियन व्यूज है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए के ऊपर, और जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ देख सकते हैं एक और वीडियो है क्रिएटर सच 2.0 का। आप लोग देख सकते हैं इनका टाइटल और क्रिएटर सच 2.0 टाइटल एकदम सेम है, क्योंकि इन जितने भी बड़े क्रिएटर्स रहते हैं इनको पता रहता है कौन सा टाइटल लगाना है जिससे हमारा वीडियोस रैंक करेगा। तो भाई साहब मैंने आप लोग दो प्रूफ दिखा दिए है, आप लोगों को भी इसी प्रकार करना है, और यही सेम ट्रिक को मैं भी फॉलो करता हूँ। जो भी वीडियो यूट्यूब में टॉप में रैंक करती है तो भाई साहब मैं उनका टाइटल आगे खोजता हूँ, और मैं उनका टाइटल अपने वीडियोस पर यूज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी यूज कर लेता हूँ, जिससे मेरा वीडियोस रैंक करता है। और यदि आप लोग ये नहीं जानते हो कि आप किसी बड़े क्रिएटर्स का कैसे टैग पता कर सकते हो, तो मैं आप लोग टैग लेने का तरीका भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मनोज दे सर का, अगर मैं चाहूँ तो टैग पता कर सकता हूँ, 3 डॉट में क्लिक करता हूँ, शेयर में क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ पास कॉपी लिंक करूंगा। ठीक है, आप लोग देखना मैं कॉपी लिंक कर लिया हूँ। ठीक है, इनका टैग पता करके दिखाता हूँ, आप भी किसी बड़े क्रिएटर्स का टैग पता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टैग्यू नाम की एक एप्लीकेशन, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। टैग्यू नाम की एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप लोग क्लिक कर देना है, और जो भी आपने लिंक को कॉपी किया था उसको सिंपली आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप लोग पेस्ट कर दोगे, थोड़ा सा रुकना, यहाँ पास थोड़ा सा ऐड आया, मैं थोड़ा सा ऐड को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं मैं इस ऐड को हटा देता हूँ, और जैसे मैंने सर्च कर दिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास पूरे मनोज दे सर ने जो टैग अपने वीडियोस पर लगाया है वो सारे टैग आ चुके हैं। तो आप लोग भाई बड़े क्रिएटर्स से टैग पता करके अपने वीडियोस पर यूज कर सकते हो, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग सारा कुछ बता दिया कि आप लोग टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लेना है जिससे आपका वीडियो रैंक करेगा। ठीक है, तो आई होप आर इस वीडियो से आपने काफी सारा सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो देख के रहे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, जय माई की।